इफको की नैनो यूरिया ये एक अलग तकनीकी पर आधारित अलग टेक्नोलॉजी यूज की गई है और विश्व की पहली ऐसी तकनीक है जो इफको द्वारा तैयार की गई है और उसी के द्वारा इसको पेटेंट किया गया, यानी दूसरा अभी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। अब नैनो यूरिया बहुत से किसान भाई डालते हैं अपने खेतों में, लेकिन उनकी शिकायत रहती है कि यार ये तो काम ही नहीं किया, मेरा पैसा तो बेकार चला गया। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है, क्योंकि जब तक आपको किसी भी चीज़ को यूज करने का तरीका नहीं पता होगा, किसी चीज़ की जानकारी पूरी नहीं होगी, तब तक आपके मन में यही सोच रहती है। तो सही तरीका आप जान करके ही यूज करेंगे, तब भी आपका पूरा पूरा फायदा उस चीज़ से ले पाएंगे। तो ऐसा ही तरीका आपको कुछ नैनो यूरिया में भी यूज करना है। चलिए हम नैनो यूरिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, नैनो यूरिया फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर में शामिल किया गया है, यानी जो 46% की आती है उसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि बहुत सी मात्रा ऐसी होती है जो वातावरण में नाइट्रोजन के रूप में गैस के रूप में बदल करके वातावरण में मिल जाती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। बहुत सी उर्वरक जो है लिंचिंग के माध्यम से, नाइट्रोजन लिंचिंग के माध्यम से पानी में नीचे चली जाती है, जिससे पानी भी दूषित होता है। तो वातावरण भी दूषित हो रहा है, पानी भी दूषित हो रहा है, और ज़्यादा हम यूज करते हैं तो हमारी मिट्टी भी दूषित होती है, यानी मिट्टी भी खराब होती चली जा रही है। ये तो सबको पता ही है। इसी कारण से इफको ने नैनो यूरिया को निकाला था, जिसका मुख्य मकसद था कि वातावरण भी सही बना रहे, किसान की उपज भी अच्छे से मिल जाए, किसान की मिट्टी भी ना खराब हो और पानी भी दूषित ना हो। तो इसलिए जब आप नैनो यूरिया की बात करते हैं तो इसको आप यानी फर्टिलाइजर कंट्रोल करने का एक जरिया कह सकते हैं, यानी आपको बहुत कम मात्रा में डाल करके अच्छे से अच्छी पैदावार मिल सके, यही उद्देश्य से ये चीज़ तैयार की गई है। इसमें ऐसा दोस्तों नहीं है, क्योंकि नैनो यूरिया को जब आप स्प्रे करते हैं, क्योंकि इसको पत्ती पर ही स्प्रे करना रहता है, आप खेत में सीधे मिट्टी में तो नहीं दे सकते हैं, तो जब आप स्प्रे करते हैं तो ये रंध्रों के द्वारा, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, वो आसानी से रंध्रों के द्वारा पौधे के अंदर पहुँच जाता है और कोशिकाएँ इसको अवशोषित कर लेती हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं 20 से 50 नैनोमीटर के होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिसके कारण इसको पौधा पत्तियों के माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से अवशोषित कर लेता है और कोशिकाएं इसको संरक्षित कर लेती हैं, यानी एकत्र कर लेती हैं, और ज़रूरत के हिसाब से पौधे को कोशिकाओं के माध्यम से नाइट्रोजन मिलती रहती है, यानी जितनी पौधे को ज़रूरत होती उतनी ही पौधे को मिलती है और बाकी जो है ये संरक्षित रहती है कोशिकाओं में, जिससे पौधे का विकास और वृद्धि निरंतर रेगुलर होता रहता है और नाइट्रोजन की कमी पौधे में नहीं होती है। अब 4% नाइट्रोजन होने के कारण किसान भाई क्या सोचते हैं कि यार इसमें तो बहुत कम नाइट्रोजन है, कि जबकि हम बोरी वाली डालते हैं तो उसमें 46% नाइट्रोजन होती है। इसमें क्या होता है, 4% जो नाइट्रोजन होती है वो नैनो के रूप में, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में कोशिकाओं में संरक्षित रहती है, जिससे आवश्यकता के अनुसार पौधे को मिलती रहती है और ना तो ये वातावरण में गैस के रूप में खराब होती है, ना तो लिंचिंग के माध्यम से मिट्टी और पानी में जाती है। तो जो 4% होती है वही पूरी की पूरी यूरिया पौधे को मिल जाती है, जिससे ये पौधे में आसानी से पहुंचती है और किसी तरह का इसमें ह्रास नहीं होता, यानी किसी तरह के नाइट्रोजन का नुकसान नहीं हो पाता है, जिसके कारण पौधे को जो आवश्यकता होती है वो आसानी से पौधे तक मिलती रहती है। अब आप में से बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जो इसकी कम मात्रा देख करके क्या करते हैं, कुछ दूसरी उर्वरकों को डाल देते हैं, जैसे वो सोचते हैं, क्योंकि हमारे लोगों की आदत है कि जो उस उर्वरकों का स्प्रे करना है सबको एक साथ मिला करके स्प्रे कर दो, जिससे आसान हो जाए, कम पानी में स्प्रे कर दो, और नैनो यूरिया ये काम नहीं करती। तो आपको करना क्या है कि इसके साथ में किसी भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक को नहीं मिलाना, जैसे 19, 19, 19, 12, 61 और दूसरी जो अन्य उर्वरकें हैं, जैसे कोई भी उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन होती, उन उर्वरकों को आपको इसके साथ में नहीं मिलाना है, क्योंकि वो उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो दूसरी टेक्नोलॉजी पर होती है और इसमें जो नाइट्रोजन है वो दूसरी टेक्नोलॉजी पर है, जो कंपनी ने खुद बताया है बाद में कि एक दूसरे में जब इसको मिक्स करते हैं तो दोनों की दोनों नाइट्रोजन फेल हो जाती हैं और किसी का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता। तो क्योंकि अक्सर हम छोटी गलतियाँ करने के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठा लेते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।